जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आज पदार्थ यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैटर, किसे कहते हैं। बहुत से ऐसे लड़का का कमेंट आ रहा था वीडियो में कि पदार्थ बताइए, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ का कितना अवस्था होते हैं। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में इसी को, आज हम इसी पर पदार्थ पर बात करेंगे और पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं, यानी कि आज इस वीडियो में यही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम देर नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम देखिए, बोर्ड पर एकदम छाप दिया है, बस समझाना है और समझा देंगे एकदम भोजपुरी अंदाज में और आपको खुद समझ में आ जाएगा। और देखिए, केमिस्ट्री जो है कि क्लास नाइन्थ यानी कि नाइन्थ में पूछता है, यानी कि नाइन्थ आप नाइन्थ क्लास में जाएंगे, उच्च क्लास में यानी कि आठ से नाइन्थ क्लास में जाएंगे तो आपको पूछता है। तो चलिए दोस्तों, हम आज बताते हैं। तो देखिए, पदार्थ यानी कि मैटर किसे कहते हैं। तो देखिए, पदार्थ इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तब देखिए, वैसे वस्तु, देखिए वस्तु को बात कर रहा है। अगर वस्तु जो चीज है, देखिए मान लीजिए ये भी एक वस्तु है, स्केच पेन ये भी वस्तु है, वस्तु को बात कर रहा है। देखिए, वैसे वस्तु जो स्थान घेरती है, मतलब जगह घेरती है, यानी कि देखिए मान लीजिए हम स्केच पेन ली है, एक स्केच पेन है, इसको हम मान लीजिए यहाँ धर ली, तो क्या यहाँ का स्थान घेर ली, एकदम स्थान घेर ली। तथा द्रव्यमान, देखिए कोई भी वस्तु होगा उसमें तो थोड़ा बहुत द्रव्यमान रहता है, आपको खुद मालूम होना चाहिए कि द्रव्यमान को बोलते हैं भार, वजन, यानी कि भार या वजन होता है, उसे ही पदार्थ कहते हैं। देखिए सिंपली सर, वैसे वस्तु, देखिए वस्तु, देखिए मान लीजिए हम एक ठंडे को बचाने के लिए आप स्वेटर पहने, ये भी एक वस्तु है। देखिए ये भी देखिए एक वस्तु है जो किताब को लिए है, और किताब को मान लीजिए हम अपने हाथ पथा देंगे तो देखिए यहाँ का स्थान घेरे, इसमें द्रव्यमान है। मान लीजिए हम कहीं कांटा यानी कि डिजिटल कांटा उस पथारेंगे तो इसका वजन बताएगा, वहां भी स्थान घेरेगी। तो देखिए ये भी एक वस्तु है। तो सब देखिए, जितना भी लोग रहा है सब वस्तु है जी। तो वैसे वस्तु जो स्थान घेरती है तथा द्रव्यमान यानी कि भार होता है, उसे ही पदार्थ कहते हैं। देखिए एग्जांपल में कुर्सी, देखिए जो कि आप रोज घर में कुछ चीजों से मतलब जानकारी रखते हैं। देखिए कुर्सी आप रोज सुबह दादाजी मांगते होंगे बैठने के लिए, तो आप ले जाते होंगे। देखिए पेन मतलब रोज अपने पेन का यूज है। किताबों का रोज यूज है, जो सांझ सुबह मतलब हर दिन क्लास में भी आप खोले रहते हैं। टेबल का भी रोज यूज है। इत्यादि का मतलब होता है कि बहुत सारा, यानी कि बहुत सारा हो सकता है। और देखिए पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं, यानी कि पदार्थ के देखिए कितने पदार्थ को कितने अवस्था होती है। तो देखिए पदार्थ के पांच अवस्था होता है। ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, द्रव यानी कि लिक्विड इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, गैस यानी कि गैस को गैस से बोलते हैं, प्लाज्मा को बोलते हैं बोस्ट आस्टिन को इंग्लिश में बोस्ट आस्टिन ही बोलते हैं। तो देखिए पांच प्रकार यानी कि पांच अवस्था में पदार्थ पाया जाता है। तो हम लोग का मुख्य रूप से अभी तो हमें तीन को ही पढ़ना है, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, और प्लाज्मा और बोस आस्टिन, ये 11 क्लास में पढ़ना है, मतलब तो उच्च क्लास में पढ़ना है। तो देखिए इतना आप लोग का समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों को कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आज का इतना ही रहेगा। अगर आपका अच्छा वीडियो लगे तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों।